अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फयाज हुसैन और आप देख रहे हैं स्टडी विद वसीफ़। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। तो आज हम सीखेंगे कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम फ्रैक्शन में किस तरह करते हैं। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये दो नंबर लिखे हैं 1/2। इसमें जो ऊपर वाला नंबर है उसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर और जो नीचे वाला नंबर है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है नंबर्स की 1/2 या 1/2, इस तरह आपको जगह भी नजर आए तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो इस तरह के नंबर हमें एडिशन में मिलेंगे, हमें सब्ट्रैक्शन में मिलेंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन में मिलेंगे और हमें डिवीजन में भी मिलेंगे। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर भी। तो आज हम इन्हें सोल्व करके देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आपको जहाँ भी डिनोमिनेटर आपको सेम मिले दो नंबर्स में, जैसे ये देखें यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीके का है, आप सब जो डिनोमिनेटर है आप उन्हें सेम लिख दें और उसके अलावा जो ऊपर वाले नंबर है हमारे न्यूमिनेटर है उन्हें आप प्लस या माइनस कर दें। तो आप देखें यहाँ हमने ये सेम लिख दिया 4 और माइनस 1+2 हमने 1+2 कर दिया, ठीक है। और इसी तरह सेम तरीके से हमारा माइनस में भी होगा। आप देखें यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमने एक बार लिख दिया और जो ऊपर वाले हमारे जो रकम है उन्हें हमने माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस कर दिया। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो तब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने लिखा है कि व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उस सवाल में हम उन्हें किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले नंबर है जो हमारे डिनोमिनेटर है हम उनका लेंगे एलसीएम, इन नंबर्स का हम लेंगे एलसीएम। तो देखिए मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है, आपको एलसीएम तो आता होगा, अगर नहीं आता तो उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि हमने एलसीएम लिया है कि सबसे पहले हमने छोटे नंबर से एलसीएम लिया, 2 1 2 2 2 4, यहाँ हमने 2 लिख दिया और यहाँ पर 2 1 2 2 2 4 2 3 6। तो इस तरह से हमने एलसीएम लिया और जो हमने जो इनके आंसर्स आ रहे हैं हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आया 12। तो 12 को आप क्या करेंगे, आप इसके एक लाइन खींचेगा, आप उसके नीचे 12 लिख देंगे। तो आगे आपको क्या करना है, जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे 12 से और इन्हें भी आप डिवाइड करेंगे 12 से, इसका जो आपको आंसर आए आपको वो आपके जो आपका सवाल है उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। आप देखें इसका जवाब आया 3। तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है ऊपर वाले 2 से, 3 × 2, ठीक है। उसके बाद आप देखें फिर मैंने 6 को भी डिवाइड किया है 12 से, ये आ गया इसका आंसर 2। फिर 2 मैंने मल्टीप्लाई किया है इसके ऊपर वाले से 3 से, 2 × 3। तो नेक्स्ट स्टेप आप जो आपकी साइन है यहाँ पे प्लस है या माइनस है वो आपको सेम ही लिखनी है। तो आप देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 × 3 3 × 2 6, उसके बाद प्लस सेम आ गया 2 × 2 2 × 4 2 3 × 6, ये 6 6 आ गए। उसके बाद 6 + 6 कितने हुए, 12 हुए और 12 नीचे वाला सेम। उसके बाद हम दोनों को कट कर लेंगे, 12 × 12 12 × 12, तो जवाब आया हमारा 1। तो इस तरह होगा एडिशन सोल्व। होप कि आपको एडिशन क्लियरली आपको समझ आ चुका है। अगर आपको किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ। चलो देखते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रैक्शन में किस तरह होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे मैंने एक सवाल लिखा है मल्टीप्लाई में, तो हम मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 से और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 4 से, और इसका जो आप जैसे जैसे मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आया, मैंने वहां पे लिख दिया 12 12, और जब इन्हें आप काटेंगे 12 × 12 12 × 12, तो जवाब आया 1, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम डिवाइड में। डिवाइड में आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपको जब भी इस तरह का सवाल मिले तो आपको क्या करना है, डिवाइड में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से और 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। आप देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से और 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, और इसका जो जवाब आ रहा है मैंने वहाँ पे लिख दिया है। ये आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर आप करना चाहें तो आप इन्हें काट भी सकते हैं। और एक और आपको बताना चाहूँगा भूल के, आप इन्हें इस तरह भी कर सकते हैं,
डिवाइड को चेंज कर दें मल्टीप्लाई में और इन्हें आपको ऊपर नीचे कर दें, यानी दो को ऊपर कर दें और चार को नीचे कर दें, दो को ऊपर चार को नीचे कर दिया। और उसके बाद जो मल्टीप्लाई का रूल है, जिसका मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से, तो आप उन्हें सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये फ्रैक्शन वाला डिवाइड हो जाएगा। ओके, आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ आ चुकी है। अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।